भारत में अगस्त के मध्य एक खतरनाक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना है, जबकि मामले सितंबर में चरम पे पहुंच सकते हैं। ये आशंका सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में जाहिर की गई है। हालांकि भारत देश में दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई। SBI रिसर्च द्वारा प्रकाशित COVID-19 द रेस टू फिनिशिंग लाइन शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि टीकाकरण ही एकमात्र बचाव करता है, क्योंकि वैश्विक डेटा से पता चलता है कि तीसरी लहर के मामले दूसरी लहर के समय चरम मामलों के लगभग 1.7 गुना है। भारत में केवल 4.6% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि 20.8% को एक खुराक मिली है, जो अमेरिका, UK, इसराइल, स्पेन, फ्रांस, अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष ने कहा, भारत ने 7 मई को अपना दूसरा वेव पीक हासिल कर लिया है और मौजूदा आंकड़ों के अनुसार देश जुलाई के दूसरे सप्ताह में लगभग 10,000 मामलों का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा, हालांकि ऐतिहासिक रुझानों के आधार पर कम से कम एक महीने बाद चरम मामलों के साथ 21 अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक मामले बढ़ना शुरू हो सकते हैं। वर्तमान मामले अब पिछले सप्ताह 45,000 के आसपास मंडरा रही हैं, जो ये दर्शाता है कि विनाशकारी दूसरी लहर अभी तक देश में खत्म नहीं हुई है। घोष ने कहा, पहली लहर में भी मामलों में धीरे धीरे गिरावट आई। दैनिक मामलों में किसी भी सार्थक गिरावट से पहले 21 दिनों के लिए लगभग 45,000 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 12 राज्यों से अब तक डेल्टा प्लस संस्करण के 51 मामलों का पता चला है। शीर्ष 15 जिलों में नए मामले, जो ज्यादातर शहरी हैं, जून में केस फिर से बढ़े हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 महीने से इनकी मृत्यु दर स्थिर है। दूसरी ओर नए मामले में ग्रामीण जिलों की हिस्सेदारी जुलाई 2020 से सार्थक रूप से घटने से इनकार कर रही है। जब ये 45 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से इसमें उतार चढ़ाव आया है। अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।